इस तरह की परिस्थितियां कर्ज माफी के दायरे में आ गए, जैसे 56,000 करोड़ रुपया पिछली बार मनमोहन सिंह की सरकार ने कर्जा माफी किया था, उसमें किसानों का क्या लाभ हुआ, उसमें बैंकों का लाभ हुआ। तो कर्ज माफी जैसे 37,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्ज माफी की, आप पता कर लीजिए सरकार के फिजूल खर्ची को रोककर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों का कर्ज माफ किया है, वो सरकार की फिजूल खर्ची रोक। अगर इस तरह की सरकार काम करते हैं तो मेरे समझ से एक समस्या का समाधान हो सकता है। किसानों के समस्या के समाधान के लिए और उनके समृद्धि के लिए जो भारत सरकार ने काम किया है वह ऐतिहासिक काम किया है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, वो हिंदुस्तान के किसानों के आर्थिक अर्थव्यवस्था को और भी समृद्ध बनाएगा, मैं इस बात को भरोसा आपसे दिलाना चाहता हूँ। सर थोड़ा डिटेल बता दीजिए दोबारा। बेंगलुरु के बाद मुंबई है, मुंबई के बाद कलकत्ता है और गुवाहाटी और चंडीगढ़, और लास्ट में जो है माननीय अध्यक्ष जी जो इसका समापन करेंगे ट्रेन बैठक को लखनऊ में करेंगे 19 फरवरी को। किसानों उस मामले में राहुल गांधी से ज्यादा जानता हूँ, राहुल गांधी बहुत बहुत के बोल रहे हैं, राहुल गांधी से मैं ज्यादा जानता हूँ क्योंकि वो भी धान ज्वार गेहूं बाजरा का पौधा नहीं पहचान सकते, किसानों की बात करते मैं किसान हूँ इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि किसानों की समस्या के समाधान कर्ज माफी उसका तत्काल राहत हो सकता है, शासन समाधान नहीं, उसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ। पंजाब में सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी चौधरी देवी लाल ने कृषि मंत्री होने के नाते सबसे पहले देश में कर्ज माफी की घोषणा की, उसके बाद 56,000 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह की कर्ज माफी हुई। सरकार ने किसानों के समृद्धि के लिए नीतियां नहीं बनाई, आज मैं कह सकता हूँ कि कर्ज माफी से उनके समस्याओं का समाधान हुआ क्या? आप लोग सब लोग यहाँ सब लोग से बहुत अनुभवी लोग, इसलिए कर्ज माफी हम भी किए उत्तर प्रदेश में किए हैं, तो हमने सरकार के खर्चे को रोक कर फिजूल खर्ची को रोककर उस पैसे को इकट्ठा करके हमने कर्ज माफी की। जैसे मैं बताता अब बताइए कर्ज माफी होगी, आप सब लोगों के पैसे बैंक में जमा होते, कोई सरकार बनाने के लिए कह दे कि मैं सारा कर्ज माफ कर सकता, तो जब तक सरकार उस बैंक में पैसे नहीं जमा करेगी तब तक आम लोगों के पैसे जो बैंक में जमा है उस पैसे को आपको बहुमत के आधार पर लुटाने की इजाजत दी जा सकती है क्या? जनता राहुल गांधी कह रहे हैं लोकसभा में और संसद में कहा जा चुका है कि पूंजीपतियों के कर्ज माफ नहीं हुए, अगर यह बात गलत हो तो राहुल गांधी को प्रिविलेज दे आना चाहिए, विशेषाधिकार है संसद को दिया गया, विशेषाधिकार पर चुनौती दे दीजिए, चैलेंज दीजिए।